दोस्तों, कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर भी फिल्मों का अनाउंसमेंट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज का ताजा खबर जानने के लिए तैयार हो जाइए, वीडियो पूरा देखिए। नंबर एक, फरहान अख्तर के मच अवेटेड मूवी फिर तूफान, जो कि 2021 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण यह रिलीज नहीं हो पाए। अब खबर आया है कि इस फिल्म का ट्रेलर 30 जून को यानी आज रिलीज होने वाली है। आज इस फिल्म का ट्रेलर देखने को मिलेगा। वैसे इस फिल्म को 2021 में 16 जुलाई 2021 को रिलीज किया जाएगा, वो भी अमेजन प्राइम वीडियो पर। इस फिल्म में आपको फरहान अख्तर के साथ मीरान का ठाकुर परेश रावल नजर आएंगे। फरहान अख्तर इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे। नंबर दो, SS राजमौली के डायरेक्शन पर बन रही ट्रिपल आर की इस मूवी का एक और जबरदस्त पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें दोनों धक्कड़ हीरो जूनियर NTR और रामचरण नजर आ रहे हैं। जिसमें जूनियर NTR बाइक चलाते नजर आ रहे हैं, तो वही रामचरण उसके पीछे बैठे हुए। दोनों काफी कमाल के लग रहे हैं। इससे पहले इस फिल्म का बहुत से पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस पोस्टर में जूनियर NTR रामचरण के अलावा अजय देवगन, आलिया भट्ट नजर आएंगे। इस फिल्म को 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया जाएगा। नंबर तीन, अक्षय कुमार के सुपरहिट गाना फिलहाल, जिसका फिलहाल 2 गाना आने वाला है। इस गाने का एक पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया था, अब इसका दूसरा पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें अक्षय कुमार और सुपूर सेनन दोनों आपस में प्रेम के बंधन में बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस गाने का टीजर आज हमको देखने को मिलेगा, यानी 30 जून। फिलहाल ने 1 मिलियन यूट्यूब पर पार कर लिया है। अब देखते हैं कि फिलहाल 2 कितना रिस्पॉन्स देता है। नंबर चार, रेस 2 3 के बाद अब रेस 4 हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में खबर आया कि इस फिल्म की कहानी लिखी जा रही है। इस फिल्म में सलमान खान और सैफ अली खान आपस में फिर सकते हैं। रेस और रेस 2 में सैफ अली खान नजर आए थे और रेस 3 में सलमान खान नजर आए थे। अब मेकर चाहते हैं कि दोनों हीरो को एक साथ लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो बॉलीवुड पर तहलका मच जाएगा। वैसे अभी इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। नंबर पाँच, ऋतिक रोशन की जल्द ही क्रिस 4 देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब इंडिया का सुपर हीरो आने को तैयार है। दोस्तों, इन सभी खबरों में से कौन सा खबर अच्छा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।